मुगल सल्तनत के कई भव्य मकबरों के बारे में हम सब जानते हैं, जो ज्यादातर उत्तर भारत में देखे जा सकते हैं। फिर चाहे वो आगरा का ताजमहल हो या फिर दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। मगर इन सबसे हटकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ऐसा मकबरा है जिसकी रूपरेखा बाकी मुगल मकबरों से बहुत अलग है। दिलचस्प बात यह है कि यह मकबरा छठे मुगल बादशाह औरंगजेब का है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुल्दाबाद गांव में मौजूद है, जो मुख्य शहर से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि औरंगजेब की कब्र उनकी बहन जहानारा बेगम की कब्र से प्रेरित है। इस तरह की कब्रें मिट्टी से घिरी होती हैं और वहां तरह तरह की औषधियां उगाई जाती हैं। खड़गी नाम से पहचाने जाने वाले शहर का नाम सन 1653 में औरंगाबाद रखा गया था, जब औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। औरंगजेब ने इस जगह को अपनी राजधानी बना लिया था। उसके बाद से दक्कन में होने वाली मुहिमों के लिए उनका गढ़ औरंगाबाद ही रहा। मुगल काल में सबसे ज्यादा राज करने वाले औरंगजेब का अधिकांश जीवन अपने साम्राज्य के विस्तार, विद्रोहों को दबाने और मराठों से युद्ध करने में बीता। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य से छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों का जब सूर्योदय हो रहा था, तभी औरंगजेब ने मराठों और उनकी फौज पर काबू रखने के लिए दक्कन में कई मुहिमें चलाईं, जिसमें उनको नाकामी ही हाथ लगी। औरंगजेब ने अपने जीवन के 26 साल मराठों से युद्ध करने में बिताए। इस मुहिम में जब उनकी सेहत बिगड़ने लगी, तब उन्होंने खुल्दाबाद में मौजूद अपने सूफी धार्मिक गुरु ख्वाजा हजरत सैयद जैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के करीब निहायत सादगी से दफन किए जाने की इच्छा जाहिर की थी। माना जाता है कि अपनी कब्र के निर्माण के लिए औरंगजेब ने अपने आखिरी साल टोपियां बनाने और कुरान शरीफ लिखने में गुजारे। 21 फरवरी सन 1707 में औरंगजेब ने आखिरी सांस ली थी। औरंगजेब के जनाजे को उनके बेटे मोहम्मद आजम शाह खुल्दाबाद लाए थे और यहीं उन्हें दफनाया गया, जिसके बाद औरंगजेब को खुल्द मकान यानी जन्नत में निवास के खिताब से नवाजा गया। इनकी कब्र तीन ओर से संगमरमर की जालियों से घिरी है। ये जालियां हैदराबाद के निजामों ने बनवाई थी। औरंगजेब की कब्र के आसपास हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जाह प्रथम, उनके बेटे नजीर जंग और यहां तक कि मोहम्मद आजम शाह और उनकी पत्नी की भी कब्र मौजूद है। उस दौरान यहां पर गुंबददार बरामदा और मुख्य द्वार का भी निर्माण किया गया था। आज ये कब्र उस मुगल बादशाह की आखिरी निशानी है जिसने 50 बरस तक हुकूमत की, लेकिन उसने अपनी अंतिम सांस एकांत में ली।